अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं पेसरेटो यानी कि ग्रीन मूंग दाल डोसा, जो कि बहुत हेल्थी ब्रेकफास्ट है और इजी भी है बनाने के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने हमें चाहिए 1/2 कप ग्रीन मूंग दाल, 4 टेबलस्पून चावल यानी कि राइस। अच्छे से चावल और ग्रीन मूंग दाल को अच्छे से मिक्स करके 1 या 2 बार पानी में अच्छे से धो लेना है। 1 कप पानी डालकर फुल नाइट सोक कर लेंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को हमें जो पानी रहता है उसको छाननी में अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा और थोड़ा 1/2 टेबलस्पून नमक डालना है। अदरक 1 इंच अदरक डालना है। आज मेरे पास नहीं है इसीलिए मैंने नहीं डाला। और इस मूंग दाल और राइस को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से फाइन स्मूथ पेस्ट होने तक हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। जैसे कि डोसा बैटर रहता है ना, उसी तरह हमें डोसा बैटर के तरह ही इस बैटर को भी बीच में पानी डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। लास्ट में 1 टेबलस्पून साल्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब तवा अच्छे से हीट हो जाए तब हमें जैसे डोसा डालते हैं उसी तरह इस बैटर से भी हम डोसा डालेंगे। ऑयल लगाना है। से हम बारीक कटे हुए ऑनियन और थोड़े से हरी मिर्च और हरा धनिया डाल के गार्निश कर लेना है। जो बच्चे रहते हैं वो ग्रीन मूंग दाल नहीं खाते, तो आप उनको ऐसा हेल्थी ब्रेकफास्ट ग्रीन मूंग दाल का डोसा बनाकर खिलाइए, जो कि बहुत हेल्थी रहता है बच्चों को और बड़ों के लिए। तो आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो लीजिए, डोसा बनके तैयार है, आप भी ज़रूर ट्राई करें। इसमें कॉम्बिनेशन हम कच्चे नारियल की जो चटनी है, कोकोनट चटनी बनाते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।